तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गेहूं के आटे से बने एकदम शानदार बिस्किट की ऐसी रेसिपी जिसे आप घर पर ही बड़े ही आसानी से बना सकते हैं और इनका टेस्ट एकदम बाजार जैसा आता है। और ये बिस्किट है ना, एकदम से क्रंची बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो जब भी बच्चों का खाने का मन हो या आपका, तो घर पर ही इस तरीके से बिल्कुल बाजार स्टाइल बनाएं ये गेहूं के आटे से बने बिस्किट, और वो भी एकदम हेल्दी होते हैं क्योंकि गेहूं के आटे से बने होते हैं। इन बिस्किट को आप सफर में ले जाएं या बनाकर महीने भर खा सकते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ मैंने ले ली है 1 कप चीनी और 3 इलायची ले ली, हरी इलायची, तो इसी के साथ पीसेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, तो दोनों चीजें ले ली हैं। अब लेंगे एक मिक्सी जार, जो चीनी ली है ना उसको पीस कर लेंगे, इसी में डालेंगे चीनी और साथ में इलायची भी पीस जाएगी, तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बिस्किट में। तो यहाँ पर चीनी को देखिए पीस लिया है, तो इसको रखेंगे अभी साइड में। और इधर मैंने एक बाउल ले लिया है, और देखिए मैंने लिया है 1/2 कप घी, तो जितना डेसिकेटेड कोकोनट लिया था ना उसी के बराबर मैंने घी ले लिया है। तो घी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। आप क्या करना है, इसी में जो पीसी है ना चीनी, इसी में डाल देंगे। और ये देखिए डेसिकेटेड नारियल है ना कोकोनट, उसको डाल देंगे और दोनों चीज़ों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो इसी के घी के साथ ही दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, 1/2 कप ही लिया होगा, तो इसको पहले से ही डाल देंगे। आपको ज़्यादा पानी पहले से नहीं डालना है क्योंकि जितनी मैंने चीनी ली है उसी के हिसाब से ही यहाँ पर गेहूं का आटा डालेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है चीनी, तो मैं 2 से 2.5 कप यहाँ पर गेहूं का आटा लेंगे। तो इसमें डालते जाएंगे, जितना जैसे ढीला पड़ेगा ना आटा, तो उसके बाद फिर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप डाल दिया है और इसको करेंगे मिक्स। जैसे ही अगर ये थोड़ा सा गीला होगा तो फिर और भी आटा इसमें डाल सकते हैं। तो मतलब जैसे 1 कप लिया था ना चीनी, तो आराम से जो बिस्किट है ना मीठे हो जाते हैं। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे गीला लग रहा था तो मैं 1/2 कप और आटा डालूंगी, गेहूं का आटा। और यहाँ फ्रेंड्स, जो गेहूं का आटा लिया है ना, इसकी जगह आप 1/2 मैदा और 1/2 गेहूं का आटा ले सकते हैं। लेकिन गेहूं के आटे के भी बड़े ही टेस्टी लाजवाब बिस्किट बनकर तैयार होते हैं, एक बार बनाइएगा ज़रूर। अब आटा मिला लिया है, अब बढ़िया से कर देंगे इसको मिक्स। और देखिए, जब भी आप बिस्किट बना रहे हैं ना, इस आटे को आपको ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, ध्यान आपको रखना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ ना वीडियो में, आपको ऐसा ही करना है। और मैंने यहाँ पर देखिए मिक्स कर लिया है आटे को। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं सफ़ेद तिल, तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे जो बिस्किट का टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आते हैं, बड़े ही टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने यहाँ सफ़ेद तिल डाल दिया है, बढ़िया से फिर से मिक्स कर लेंगे। देखिए आटा यहाँ पर देखिए टाइट बिल्कुल नहीं है, कितना सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर आटा जो है ना आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत के तुरंत यहाँ पर आप बिस्किट बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बिस्किट। तो यहाँ पर देखिए, अब जो आटा है ना, इसके थोड़े बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे इस तरीके से, देखिए मिक्स करते हुए। और कितना चिकना आटा लगा है ना, मैंने इसमें सूजी डाली है ना ही मैदा। आपको थोड़े और क्रंची से बिस्किट चाहिए तो थोड़ा 2 चम्मच इसमें आप सूजी भी डाल सकते हैं। ले लिया है चकला, बस उंगलियों के सहायता से आप इसको बढ़ाइए, बड़े आसानी से ये देखिए इस तरीके से हो जाता है। आपको बेलन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बड़े ही आसानी से घर पर ही इस तरीके से गेहूं के आटे से बिस्किट बना सकते हैं। तो मैंने देखिए हाथों से ही इसको फैला दिया है, बस लास्ट में 2 से 3 बेलन चला देंगे। और यहाँ पर जो देखिए इसकी थिकनेस इस तरीके से रखनी है, आपको पतला नहीं बेलना है, बस इस तरीके से बेलना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है इस तरीके से, आप कोई सी भी ढक्कन ले सकते हैं जिससे आपको बिस्किट कितने बड़े छोटे काटने हैं। तो मैंने जो नमक की डिबिया होती है ना उसकी ढक्कन ले ली है, और इससे बड़े ही जल्दी जो बिस्किट है ना बनकर तैयार होते हैं। तो कुछ भी जुगाड़ कर लीजिए, आपके पास अगर कोई कटर नहीं है जैसे गोल सा, तो छोटे छोटे बिस्किट बनाए हैं मैंने यहाँ बिल्कुल बाजार स्टाइल। और जो एक्स्ट्रा आटा था हटा देना है, देखिए बिस्किट कितने प्यारे लग रहे हैं, और जो तिल डाले हैं ना इसके ऊपर कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे बना लेने हैं। तो बस आपको आटा का डो लेना है इस तरीके से, आप जैसे मैं कर रही हूँ ना आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए पूरा बढ़ गया है, मैंने बेलन भी नहीं चलाया है, बस लास्ट में 1-2 बेलन आपको चला देना है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने दूसरा भी इस तरीके से बेलकर तैयार कर लिए हैं और बस इस तरीके से ढक्कन लेना है। कुछ भी आप ले लीजिए, जो भी आपके घर पर हो, और जितने बड़े छोटे बिस्किट बनाने हैं वैसे ही आप इस तरीके से देखिए कट कर सकते हैं। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है, बड़ी ईजिली बहुत सारे आप बिस्किट घर पर बना सकते हैं। तो मैंने इतने सारे देखिए बना लिए हैं, तो और भी बन गए थे देखिए। बस सिर्फ 2.5 कप आटा से इतने सारे बिस्किट बनकर रेडी हो गए हैं। अब इधर मैंने तेल को गरम कर लिया है, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है, आप घी में भी बना सकते हैं, कोई सा भी तेल ले सकते हैं। बस एक एक करके इसमें बिस्किटों को डालना है जितने आ जाएं, और तेल यहाँ पर गरम होना चाहिए, मीडियम गैस होनी चाहिए, उस पर डालना है। जैसे ही आपके सारे बिस्किट डल जाए ना फ्रेंड, उसके बाद आपको बिल्कुल लो गैस कर देनी है, तब आपको बिस्किटों को यहाँ पर सेकना है। तो इससे ये है ना, आपके जो बिस्किट हैं ना एकदम क्रंची बनेंगे, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। और उसके बाद आपको थोड़ा सा देखिए ऑयल के साथ हल्के हाथों से बिस्किटों को देखिए इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। जैसे ही आपके 2 से 3 मिनट बिस्किट हो जाए तो देखिए इस तरीके से बिस्किट पलट भी जाते हैं और बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये फूल कर आते हैं। तो इन बिस्किटों में ना मैंने देखिए सोडा यूज किया है, जो मीठा सोडा होता है, ना बेकिंग पाउडर, और देखिए ना देखिए ये बिस्किटों को बनाने के लिए आपको कोई ओवन की ज़रूरत है। तो घर पर ही इस तरीके से देखिए कितने बढ़िया बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं, और वो भी गेहूं के आटे से। तो एक बार बनाइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। देखिए कितने बढ़िया सुनहरे ये देखिए बिस्किट, ये देखिए तलकर रेडी है, तो कितने बढ़िया टिमटिम लग रहे हैं, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो बच्चे तो टूट पड़ेंगे जब बच्चों को इतने टेस्टी बिस्किट घर पर ही मिल जाएंगे, और ये हेल्दी भी है। बस जैसे ही ये देखिए बिस्किट तल जाए वैसे ही आपको झारे में निकाल लेना है और अलग प्लेट में रख देना है, और इसमें कोई ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है फ्रेंड्स। देखिए कितने बढ़िया बिस्किट ये देखिए बनकर तैयार हैं। तो इसी सेम तरीके से सारे बिस्किटों को आपको फ्राई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सारे बिस्किट देखिए बना लिए हैं, तो ढेर सारे ये देखिए बहुत ही टेस्टी लाजवाब एकदम बाजार जैसे क्रंची बिस्किट बनते हैं, एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो देखिए मैं इनको आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने बढ़िया से ये देखिए बने हैं। तो बनाने के बाद जैसे ही फ्राई करते हैं तो थोड़े सॉफ्ट पड़ते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये बिस्किट, लेकिन इनको 10 मिनट आप पंखे की हवा में रख दीजिए, उसके बाद जो बिस्किट है ना बहुत ही क्रंची बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब भी आप सफ़र में जा रहे हैं तो इस तरीके से आप बना कर रख लीजिए और सफ़र में इंजॉय कर सकते हैं। और कभी भी ये इन बिस्कुटों को आप घर में बना कर रख लीजिए, और मीठा खाने का मन हो बस बिस्किट खाइए, और इनको आप महीने भर रख कर खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।